सुप्रभात बच्चों। तो अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी दोपहर का भोजन आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपको पिछली वीडियो के माध्यम से कुछ व्याख्या समझा दी गई थी। अब उसके बाद आगे के अंक पे आते हैं। तो यहाँ से आपका अगला अंक शुरू होता है। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी। किसके सामने? अपने बड़े बेटे रामचंद्र के सामने, और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। पंखा चलने लगी, हाथ का पंखा था, उससे उसकी हवा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक भांति देखा। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा, जैसे कोई फिलोसफर देखता हो। वो खाने की थाली की ओर देखता है। क्या था खाने में? कुल दो रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल। कटोरा भरा हुआ था कैसी दाल का? पानी वाली दाल का, खूब पानी, दाल कम, और चने के तली तरकारी। चने को थोड़ा तला हुआ था। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? मोहन कौन है? उसका मझला भाई। तो तीन भाई हैं, रामचंद्र बड़ा भाई, उम्र लगभग 21 साल, मोहन मझला भाई उम्र लगभग 18 साल, और सबसे छोटा भाई है प्रमोद, उम्र लगभग 6 साल। तो रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए अपनी माँ से पूछा, सिद्धेश्वरी से, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है, कहाँ है वो? तो मोहन सिद्धेश्वरी का कौन सा बेटा है? मझला। मझला का मतलब क्या होता है? बीच वाला। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। 10वीं का एग्जाम प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में देना था उसको। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। तो वो बच्चा घर से लापता था काफी देर से, किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा। जानती थी कि वो बिना बताए कहीं चला गया है, लेकिन पता था कि इसको सच बताऊंगी तो ये नाराज होगा, इसलिए वो झूठ मूठ कहती है। किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चे के सारे ऐप छिपा देती है। किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। और अपने आप कहती है, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है, पढ़ाई की बात करता रहता है। और ये बात रामचंद्र भी सुनता है लेकिन कुछ कहता नहीं। अब आगे देखना, सिद्धेश्वरी इसी वाक्य को दोबारा ये कहती है अपने पति के सामने कि रामचंद्र ऐसा कह रहा था। आगे देखना उस चीज को। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर कान खाने में लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर धीरे धीरे वो चबा रहा था। तो खाने को किस तरीके से खा रहा था वो बताया गया। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि जो उसने कहा वो सब झूठ है। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? अरे तुम जहाँ गए थे वो नौकरी वोकरी के चक्कर में कुछ हुआ क्या? तो रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, थोड़ा सा अंदर से मन टूटा हुआ है, और कहता है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई, दिन बीतता जा रहा था, धूप कड़ी होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। तो उनके घर का आंगन जो था वो बड़ा छोटा सा था। आसमान में ऊपर बादल के दो टुकड़े ऐसे तैर रहे थे जैसे कि पाल लगी हुई नाव। कैसी होती है पाल लगी हुई नाव? जिसपे बहुत बड़ा ध्वज बंधा हुआ होता है और उस पाल से ही, ध्वज से ही वो नाव अपनी डायरेक्शन लेके चलती है। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी। इक्का मतलब तांगा, गुजर रहा था उसके खड़खड़ाने की आवाज। खटोले पर सोए बालक, खटोले पर कौन सोया हुआ था? प्रमोद का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था, वो खर्राटे ले रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा अपनी माँ से, प्रमोद खा चुका है? छोटे भाई प्रमोद ने कुछ खाया क्या? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका, उसने खाना खा लिया।
भाई पूछता है रोया तो नहीं, तो माँ कहती है सिद्धेश्वरी ने एक बार फिर झूठ बोला और कहने लगी आज सचमुच नहीं रोया, बिल्कुल नहीं रोया आज, वह बड़ा ही होशियार हो गया है, अब लड़का ये समझदार होता जा रहा है, रोता नहीं है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा और कह रहा था सोने से पहले कि बड़े भाई के पास जाऊंगा, ऐसा लड़का, पर वह आगे कुछ ना बोल सकी, चुप हो गई क्योंकि इसमें वो झूठ ही बोल रही थी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो ऐसे वो चुप हो गई। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी उस छोटे वाले बच्चे ने, और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद वो सोया था, तो आज इसलिए पूछा रामचंद्र ने कि आज वो रोया क्या। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा, खाना कंटिन्यू रखा उसने अपना। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया आखिर में, तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, उठने का बहाना करते हुए प्रश्न किया, पूछने लगी अपने बेटे से एक रोटी और लाती हूँ। तो माँ जो होती है ना, वो चाहे उसको टुकड़ा मिले या ना मिले, खुद को खाना मिले या ना मिले, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरने की पूरी कोशिश करती है। तो उसने खाना खा भी लिया तब भी वो उठने का उपक्रम करते हुए कहती है, उठने का कार्य करते हुए कहती है कि बेटा एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं 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 जरा भी नहीं, अब नहीं ओढ़नी, और रोटी नहीं लूंगा, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, एक टुकड़ा जो बचा हुआ है इसको भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं और नहीं खाऊंगा, बस माँ रहने दे और रोटी मत लाना। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही, एक नहीं बेटा आधी तो ले आऊं। तो रामचंद्र गुस्से से बोला, बिगड़ के बोला, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या, बीमार करोगी क्या मुझको ज्यादा खिला के, तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद, भूखी रहती तो क्या ले नहीं लेता, भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता, यदि मुझे भूख होती तो मैं खुद ही मांग लेता, माँ तुम भी बस कुछ नहीं हो बस। सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी ही रह गई, वो बेचारी खड़ी हो रही थी बैठ गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। वो टुकड़ा उठाना चाहता था लेकिन गुस्से में फिर वो टुकड़ा उसने थाली में छोड़ दिया और माँ से कहा, माँ पानी लेके आओ, पानी पीना है। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद, जैसे कोई चोरी कर रहा हो, वो जो रोटी का टुकड़ा जिसको पहले उसने गुस्से में नहीं उठाया था ना, उसको उठा लिया और मुंह में इतनी सरलता से रखा जैसे कि वह भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो, जैसे पान रखते हैं लोग मुंह में, इतनी सरलता से उसने वो रखा। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। थोड़ी देर में मोहन आ गया, उसने भी हाथ पैर धोए और खाने के लिए पीढ़े पर बैठा। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी, छोटी आंख वाला, उसको भी शब्द चित्र दिया गया, उसके पर्सनैलिटी को शब्दों से बताया गया है। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था किंतु उतना लंबा नहीं था जितना कि भाई उसका यानी रामचंद्र था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं गंभीर, अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो भी उस चीज को समझता था और वो भी चुप था, उदास था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा, भैया पूछ रहा था, तुम्हारा भाई पूछ रहा था तुम कहाँ हो। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया अपनी आवाज में, कहीं तो नहीं गया था माँ, यहीं पर था, कहीं नहीं गया था, यहीं था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाते अपने बच्चे की हवा करने लगी और बोली, जैसे सपने में बड़बड़ा रही हो, कहती है बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तो तबीयत 2400 घंटे पढ़ने में लगी रहती है, उसने थोड़ी कही थी बात, ये किसने कही थी, ये कही थी खुद उसकी माँ ने, सिद्धेश्वरी ने। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह से देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो, चोरी क्यों, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया, समझ गया कि माँ ये झूठ ही बोल रही है। वह परोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था, खा चुका था।
सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था क्योंकि दोनों बड़े हो गए थे, बाप उसकी मानते नहीं थे। अचानक उसकी आंखें भर आईं और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग सारा खाना समाप्त कर चुका था। फिर सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए कहा, बेटा एक रोटी और ले आऊं? मोहन ने रसोई की ओर ऐसे में नेत्रों से देखा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि रसोई में रोटी होगी कहाँ, ये तो इतनी मिल जाती है वही काफी है। तो माँ की बात को समझता था कि माँ शायद ये अपना खाना मुझे दे देगी, तो कहने लगता है नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा मेरी कसम थोड़ी ले लो और ले लो खाना। तुम्हारा भैया ने एक रोटी ली थी, तुम्हारा बड़ा भाई खा के गया, उसने छकने के बाद एक रोटी मेरे कहने से ली थी, तुम भी ले लो। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है। बड़े आराम से समझाता अपनी माँ को, नहीं रे बस अव्वल तो भूख, अब भूख नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई कि खाई नहीं जाती, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां तो बना लेती है माँ, न मालूम कैसी लग रही है, अच्छी भी नहीं लग रही है माँ। खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, जब तू चाहती मेरा पेट भरना और ज्यादा तो थोड़ी दाल ले आ, दाल बड़ी अच्छी बनी है, रोटियां नहीं दे। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए। ये कौन थे? उसके पिताजी, मोहन के, प्रमोद के और रामचंद्र के पिताजी यानी सिद्धेश्वरी के पति आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया, पति के सामने खिसका लेती है जैसे, और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला अंश आपको भेजा जाएगा।